और आप देख रहे हैं रवजी लाइव। आज बात करेंगे भाजपा और जदयू की। भाजपा से मिले जख्मों का जदयू लेगी इंतकाम। जी हाँ, भले ही बिहार राज्य में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कमजोर दिख रही हो, लेकिन आज भी भाजपा के पास नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, और यही वजह है कि जदयू के हौसले दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतती है और फिर मुल्क से दुनिया भर में अपनी जीत का डंका बजाती है, ठीक इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार के कद का कोई और चेहरा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि जदयू का गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ क्यों ना हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे हुए नजर आते हैं, और अब जदयू भाजपा में सेंध लगाने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा के नेता, मंत्री और कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं, जो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। भाजपा सिर्फ बयानबाजी करती है। इन्होंने ये भी कहा कि आपने कुछ वक्त पहले सुना था कि भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था कि देश में सिर्फ भाजपा की पार्टी रहेगी, कोई दूसरी पार्टी दिखने को भी नहीं मिलेगी, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं जो सिर्फ भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल दिन ब दिन गिरता जा रहा है, निराशा इनमें भरती जा रही है, और यही वजह है कि भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी करके अपने लोगों और कार्यकर्ताओं में हौसला और जज्बा भरने का प्रयास कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। ऐसी ही रोमांचक रिपोर्ट को देखने के लिए आप बने रहें रवजी लाइव के साथ। धन्यवाद।